चलो जल्दी से बच्चों इस वीडियो पर बात कर लेते हैं। इस वीडियो के कई पार्ट्स हैं। ये पार्ट 1 है चैप्टर 3 का। इस पार्ट में आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ चैप्टर को समझाया जाएगा और सभी क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी में डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्टिंग वाले पार्ट में आप देखिएगा, ये है ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी है, यहाँ से हम खाने को मुंह में डालते हैं और इसको चबाते हैं। ये टंग है हमारी और खाना हमारे यहाँ से इस फूड पाइप से होते हुए नीचे चला जाता है। और ये सेकंड पार्ट में देखिए बेटा, जब खाना वहाँ फूड पाइप से नीचे आता है, नीचे आते हुए ये जाता है स्टमक में। स्टमक हमारा यहाँ पर है और इस वाले पार्ट को बोलेंगे लीवर, और ये गॉल ब्लैडर है। इन सभी पार्ट्स को आपको याद करना होगा स्टेप बाय स्टेप। जितने भी आपको पिक्चर में नेम दिखाई देते हैं, इन सभी को याद कर लीजिए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। तो इससे नेक्स्ट में आप देखिए, खाना होकर जब नीचे आता है, यहाँ स्टमक से जब नीचे होके आता है, तो ये नीचे वाली स्मॉल इंस्टेटाइन से होता हुआ यहाँ पर खाना आता है और लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर खाने में से जो हमारे जूसेस होते हैं उनके साथ खाने को मिक्स करके लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे सारी ही चीज़ों को बॉडी बाद में ऑब्जर्व कर लेती है। यहाँ के ये लार्ज इंस्टेटाइन में जाता है और ये अपेंडिक्स है, ये छोटा सा एक हिस्सा होता है बेटा जिसे अपेंडिक्स बोला जाता है। यहाँ से बड़ी आंत में खाना चला जाता है और यहाँ से लास्ट में होते हुए बॉडी से बाहर लास्ट में खाने को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बार कंप्लीट आप स्टार्टिंग से लास्ट तक समझ लीजिए। ओरल कैविटी है, टंग है, यहाँ पर खाने को फील करते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद इसको अंदर डाला जाता है। ये फूड पाइप से नीचे होते हुए स्टमक में आता है। यहाँ पर लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ये जूसिक एसिड छोड़ता है। यहाँ पर खाने को मिक्स होने के बाद लिक्विड फॉर्म में खाना स्मॉल इंस्टेटाइन में जाता है। स्मॉल इंस्टेटाइन में खाने को ऑब्जर्व करने के बाद उसको लार्ज इंस्टेस्टाइन में भेज दिया जाता है और यहाँ से खाने को लास्ट में कंप्लीट ऑब्जर्व करने के बाद बॉडी उसको बॉडी से जो हार्ड मटेरियल होता है उससे बाहर निकाल देती है। तो ये फुल सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक फोटो देखिए, यहाँ पर टंग है, टंग पे ये स्मॉल स्मॉल जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं इनको बोला जाता है टेस्ट बड। और बच्चों ये हमारे जो टंग का ये वाला पोर्शन है, यहाँ वाला पोर्शन है फ्रंट है और एक बिल्कुल बैक होता है, यहाँ वाला बिल्कुल बैक वाला। बेटा ये अलग अलग पोर्शन होते हैं, ये अलग अलग टेस्ट को फील करने में हेल्प करते हैं। तो अभी इस वीडियो को आगे देखिए और आपको फिर समझ में आएगा, समरी के साथ आप इन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। इसके बाद हेलो बच्चों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी कि टेस्ट करने से लेकर खाने के हमारे पेट में कंप्लीट डाइजेस्ट होने तक, हजम होने तक की पूरी कहानी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंट टेस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे झुम्पा रन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर्स सेइंग माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, यानी बिटर गॉड। बिटर गॉड को हिंदी में बेटा करेला बोला जाता है। झुम्पा रन दौड़ती हुई किचन में गई एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर्स, अपनी मदर को उसने पकड़ लिया सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट, माँ मैं इसे नहीं खाने वाली हूँ, किसे, दिस बीटर करेला, इस कड़वे करेला को। गिव मी गुड जगरी, मुझे गुड़ दीजिए, गुड़ को इंग्लिश में बेटा जगरी बोला जाता, एंड रोटी। तो यहाँ पर झुम्पा कहती है गिव मी गुड़ एंड रोटी, मुझे गुड़ और रोटी खाने के लिए दो, क्यों, क्योंकि वो मीठी होती है, करेला नहीं खाना क्योंकि वो कड़वा होता है। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ हंसी और उसने कहा यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, तुमने मॉर्निंग में ही सुबह ही किसको खाया था, रोटी को शुगर के साथ, चीनी के साथ खाया था। झूलन टीस्ट झुम्पा, झूलन जो कि मदर है और झुम्पा जो लड़की है यहाँ पर, झूलन टीस्ट झुम्पा, झूलन ने, उसकी मदर ने झुम्पा को थोड़े सा तंज कसते हुए कहा डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम केवल एक ही तरह के खाने से बोर नहीं होती हो। झुम्पा रिप्लाइड, झुम्पा ने रिप्लाई दिया क्विकली जल्दी से, डू यू गेट बोर्ड विद लीकिंग इमली टर्मरिंट, तो झुम्पा ने क्या कहा कि मम्मी, मदर, मदर को एड्रेस करते हुए कहती है क्या तुम कभी इस इमली से बोर होती हो, नहीं,
आई बेट योर माउथ इज वॉटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली। और यहाँ पर झुम्पा कहती है कि मैं तो शर्त लगा सकती हूँ, बेट लगा सकती हूँ, योर माउथ इज वॉटरिंग, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा जस्ट हियरिंग द वर्ड इमली, केवल इस शब्द को सुनने से। श्योर आई लव द सोर इमली, मुझे खट्टी इमली पसंद है, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, लेकिन परंतु आई ईट मैं खाती हूँ स्वीट एंड सॉल्टी, बट मैं खाती हूँ मीठी और नमक वाली चीज़ें भी। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ, सेड झूलन, झूलन ने कहा, एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टली, और दोनों खुशी के मारे अब हंसने लग गई। झूलन सेड टू झुम्पा, झूलन ने झुम्पा को कहा, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं, यू कैन क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आंखों को बंद कर लो और अपने मुंह को खोल लो, आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तुम्हारे मुंह में खाने के लिए कुछ रखूंगी, यू हैव टू टेल, तुम्हें बताना होगा व्हाट इट इज, कि वो चीज क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पास माउथ, झूलन ने रखा कुछ ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, जो नींबू होता है बेटा, उसके जूस की कुछ बूंद को एक स्पून में रखा, एंड पुट देम इन झुम्पास माउथ, और झुम्पा के मुंह में उनको डाल दिया। सोर लेमन, खट्टा नींबू, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा ने बड़ी क्विकली ही उस चीज का रिप्लाई दिया। देखो ये लड़की है और ये उसकी मदर के साथ यहाँ पर गेम खेल रही है। कौन सा गेम? कि जिसमें इसने मुंह खोला हुआ है और वन बाय वन ये इसके मुंह में कुछ डाल रही है, आंखें बंद है, तो ये केवल अपनी सेंसेस का यूज करते हुए बताएगी कि क्या चीज वो खा रही है। यही सारा का सारा गेम है। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। इस नेक्स्ट पेज पर देखो, झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ चदरी, झूलन ने तब उठाया एक छोटा सा टुकड़ा जगरी यानी गुड़ का। हर मदर सजेस्टेड, उसकी मदर ने सलाह दी, क्रश्ड इट, कि इसको थोड़ा तोड़ दो, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज, नहीं तो झूलन को पता लग जाएगा कि ये क्या है। झूलन क्रश्ड द जगरी, झूलन ने क्रश जगरी को क्रश कर दिया, उसको बारीक कर दिया, तोड़ दिया, बट झुम्पा इजली गेस्ट इट इज, लेकिन झुम्पा ने बड़ी आसानी से इसको गैस कर लिया, अंदाजा लगा लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, उन्होंने ये गेम खेला अलग अलग फूड आइटम्स के साथ। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, और झुम्पा ने तो बता दिया किसको, फ्राइड फिश को टेस्ट करने से पहले ही। कैसे बता दिया? यस, स्मेल की हेल्प से उसने बताया। आप सभी को भी ऐसा ही पता लग जाता है ना, खाने से पहले सूंघ के पता लगा लेते हैं कि आज घर में कौन सा खाना पका है। झूलन सेड, झूलन ने कहा, नाउ क्लोज योर नोज, अब तुम अपना नोज को बंद कर लो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ व्हाट दिस इज, कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज, अब झुम्पा कंफ्यूज हो गई। इट इज अ बिट बिटर, ये थोड़ा सा कड़वा था, अ लिटिल सॉल्टी, थोड़ा नमक वाला कड़वा था, एंड एंड समवट सोर, और थोड़ा सा खट्टा भी था। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक चम्मच फुल और दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, झूलन ने एक उसको और चम्मच भर के करेला दिया। अनकवर्ड झुम्पास आइस एंड सेड, और कहा, हियर इट इज, हेयर इट इज, ये रहा, ईट, खाओ। झुम्पा लाफ्ट, झुम्पा हंसी, यस गिव मी मोर, हाँ मुझे और दे दो। तो बच्चों इस कहानी से हमें पता लगा, हम खाना खाते समय केवल अपनी जीभ का ही इस्तेमाल नहीं करते, हम खाना खाने से पहले अपनी स्मेल की सेंस और आंखों से देखने का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो खाना कैसा बना है, टेस्टी बना है, नहीं है। अगर वो जला हुआ है तो हमें सूंघ कर ही पता लग जाता है, देख कर ही पता लग जाता है कि वो खाना कैसा है। और करेला भी देखने में, स्मेल से हमें पता लग जाता है कि ये कड़वा है, इसलिए हम उसे खाने से मना करते हैं। लेकिन अगर हम खाते हैं, करेला बहुत फायदेमंद भी होता है बच्चों, इसलिए हमें खाना चाहिए। डिस्कस एंड राइट, इसको डिस्कस करना है और फिर इसको लिखना है। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली, जब झूलन का मुंह में पानी आना शुरू हो गया जब उसने सुना कौन से शब्द को, इमली को।
When does your mouth water? तुम्हारे मुंह में कब पानी आता है? List five things you like to eat and describe their taste. List five things, ऐसी पांच चीजों को लिखो, लिस्ट बनाओ उनकी, यू लाइक टू ईट, जो तुम्हें खानी पसंद है, एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, और उनके टेस्ट को भी आप लोगों को लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई? क्या तुम्हें पसंद है ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, केवल एक ही तरह का टेस्ट, और डिफरेंट वंस, और अलग अलग, वाई? ऐसा क्यों है? नेक्स्ट है, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ. झूलन ने कुछ नींबू की ड्रॉप्स को झुम्पा के मुंह में डाला. डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? क्या तुम्हें लगता है कि हमें केवल कुछ ड्रॉप्स ही मुंह में डालने से टेस्ट का पता लग जाएगा? सभी बच्चों सोचो, क्या नींबू का एक बूंद भी आपके मुंह में जाने से आप बता सकते हैं ये नींबू है? यस, आप पता लगा लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही खट्टा होता है. नेक्स्ट है, इफ समवन्स वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ एंड ए सीड ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज्ड हाउ? अगर कोई सौंफ के कुछ बीज आपके मुंह में रख दे, क्या तुम अपनी आंख बंद करके बता सकते हो कि ये क्या है, और कैसे बता सकते हो? बेटा, सौंफ की जो खुशबू होती है उससे आपको पता लग जाता है. हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? झुम्पा ने कैसे पता लगाया फ्राइड फिश का? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? क्या तुम पता लगा सकते हो ऐसी चीजों का जिसको उनकी स्मेल से ही तुम पता लगा लो कि वो क्या है, विदाउट सीइंग, बिना देखे, और टेस्टिंग, और बिना टेस्ट किए उन चीजों का तुम पता लगा लो? व्हाट आर दीज थिंग्स? और ये कौन कौन सी चीजें हैं? आप लोगों को खुद ही इसका पता लगाना है. हैज एनी वन एवर टोल्ड यू टू हॉल योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या कभी किसी ने तुम्हें अपना नाक बंद करने के लिए बोला है दवाई लेने से पहले? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ये नाक बंद करने वाला आइडिया क्यों दिया होगा कि नाक क्यों बंद कर लो? जब हमें स्मेल अच्छी नहीं लगती है तभी हम नाक को बंद करते हैं. नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, क्लोज योर आईज एंड टेल, अपनी आंखों को बंद कीजिए और बताइए. कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट. कुछ फूड आइटम्स को, खाने की चीजों को इकट्ठा कीजिए जिनका टेस्ट अलग अलग हो. प्ले अ गेम, और एक गेम खेलो विद योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड. जैसे झुम्पा और झूलन ने खेला वैसे ही अपने दोस्त के साथ इस गेम को खेलो. उन्होंने कौन सा गेम खेला था? उसने बेटा आंखें बंद करके मुंह में खाने की चीजें डालकर उनकी टेस्ट को पता किया था, और वो क्या क्या चीज है इसके बारे में पूछा था. तो ये गेम आप लोग खेल सकते हैं. टेल योर फ्रेंड्स टू टेस्ट द फूड एंड आस्क. अपने फ्रेंड्स को आंखें बंद करके बोलना है कि आप लोगों को इस फूड को टेस्ट करना है और बताना है. और क्या बताना है वो अभी नीचे जो एक क्वेश्चन दिए गए मैं इनको पढ़ूंगा, और आप इसको पता लगाइए. हाउ डिड इट टेस्ट? इसका टेस्ट कैसा है? व्हाट वॉज द फूड आइटम? और जो तुमने अभी खाया है वो कौन सा फूड आइटम है? सेकेंड, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? तुम्हें टंग के कौन से हिस्से पर सबसे ज्यादा टेस्ट फील हुआ? इन फ्रंट, फ्रंट में, एट द बैक, पीछे के एरिया में, ऑन द लेफ्ट, टंग के लेफ्ट वाले पार्ट में, और राइट, और राइट वाली साइड में तुम्हें ये टेस्ट फील हुआ? बेटा, आप लोगों को बता दूं, टंग के अलग अलग पोर्शन में, यानी साइड में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट और बैक, यहाँ पर अलग अलग टेस्ट को हम फील करते हैं. और इस पिक्चर को देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा कौन से पोर्शन पे कौन सा टेस्ट हमें सबसे ज्यादा फील होता है. नेक्स्ट, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? कौन सा टेस्ट कौन सी जगह पर फील होता है? मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन. जो ये पिक्चर दी गई है इस पिक्चर पर उन पार्ट्स को मार्क करना है. वन एट ए टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ द माउथ. एक बार कुछ चीजें माउथ के अलग अलग हिस्सों में रखो. अंडर द टंग, टंग के नीचे भी, ऑन द लिप, होठों पर भी, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, मुंह के ऊपर वाले हिस्से में भी. डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? क्या तुम्हें वहां पर कोई टेस्ट फील हुआ?
बच्चों, क्या लिप्स पर हमें कोई टेस्ट फील होता है? नहीं, हमें टंग पर ही फील होता है। तो ये जितनी भी जगह यहाँ पर बताई गई हैं खाने वाली चीज़ों को लगाने से हमें वहाँ पर टेस्ट फील नहीं होगा। नेक्स्ट, यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। यूज अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। किसके लिए? टू वाइप, पूछने के लिए। द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग, अपनी टंग के बिल्कुल सामने वाले पार्ट को साफ करने के लिए क्लीन क्लॉथ का इस्तेमाल करें। किस लिए? सो दैट इट इज ड्राई, ताकि वह बिल्कुल ही सूख जाए। पुट सम शुगर और जगरी देयर, और अब वहाँ पर कुछ शुगर और जगरी यानी कि गुड़ को रख दो। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या तुम्हें कोई टेस्ट फील हुआ? वाई डिड दिस हैपन, और ये क्यों फील हुआ? तो यहाँ पर आगे जानिए। आप लोगों को अभी पता है बच्चों कि हमारी टंग के अलग अलग पार्ट में हम अलग अलग टेस्ट फील करते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो हमें फील हुआ वो क्यों फील हुआ, वहाँ पर ऐसा क्या था, वो कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से हम वो फील करते हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, एक मिरर यानी आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ। एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, और बड़े नज़दीक से, पास से अपनी टंग को, जीभ को देखिए। हाउ डज द सरफेस लुक, उसका जो सतह है वो कैसी दिखाई देती है? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सर्फेस, क्या तुम छोटे छोटे उभरे हुई चीजें देख सकते हो अपनी जीभ की सतह पर? बेटा, आप जीभ को बिल्कुल पास से देखोगे तो आपको उसके ऊपर छोटे छोटे बम्प नजर आएंगे, और ये वही बम्प होते हैं जिनसे हम टेस्ट को फील करते हैं। तो अभी अब हमें आगे यहाँ पर वो क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं और आइडिया लगाते हैं कि ये क्या है। टेल, बताओ, पिक्चर को देख लिया आपने, अपनी टंग को देख लिया? नहीं देखा है तो अभी आप एक बार जाके मिरर में देखो अपनी टंग को, और फिर मैं जो अभी ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर इसको आगे देखिए। इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला एंड कुकम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर कोई पूछे यू टू डिस्क्राइब, बताने के लिए आपको, आंवला और कुकम्बर, कुकम्बर बेटा खीरा होता है, इसका टेस्ट बताने के लिए कोई आपसे पूछे, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, तो ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, मुश्किल टू एक्सप्लेन, कि इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें कि उनका टेस्ट कैसा है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस, और इनका आप टेस्ट कैसे बताओगे? कैसे? टमाटो, टमाटो का कैसा टेस्ट होता है? ऑनियन, ऑनियन का कैसा होता है? सौंफ, गार्लिक, सौंफ का और गार्लिक, गार्लिक माने लहसुन, लहसुन का टेस्ट कैसा होता है? तो इनका टेस्ट बताने के लिए हमारे पास एक वर्ड होना चाहिए कि खट्टा, मीठा, कैसा टेस्ट है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। थिंक ऑफ द वर्ड्स, उन शब्दों को सोचिए, दैट यू नो, जो तुम जानते हो, और मेक अप योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट, और अपने खुद के शब्द बताइए इस टेस्ट को बताने के लिए। बेटा, जब हम प्याज खाते हैं या फिर सौंफ खाते हैं, टमाटो खाते हैं, गार्लिक, लहसुन खाते हैं, तो इन सभी को खाने से हमें अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है। सौंफ खाते हैं तो बड़ा ठंडा फील होता है, ऑनियन खाते हैं थोड़ा सा तीखापन लगता है, लेकिन गार्लिक, लहसुन खा लेते हैं तो हमारा जलन हो जाता है, पेट के अंदर तक जलन हो जाती है। तो जो ये वर्ड हैं, जैसे कि अच्छा लगना, जलन हो जाना, तीखा लगना, खट्टा लगना, इन्हीं शब्दों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, और इन्हें इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है वो अभी आप इनके बारे में जानेंगे। अभी जल्दी से इसकी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है। व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स, जब झुम्पा ने इन कुछ चीजों को टेस्ट किया, शी सेड, उसने कहा, शी, व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन, तुम्हें क्या लगता है कि उसने क्या खा लिया होगा? सोचो, गार्लिक खाया, गार्लिक खाने के बाद बहुत ज्यादा मिर्ची फील होती है, तो आमतौर पर बच्चे वहां कैसे करते हैं, तो ऐसे सी सी की आवाज निकालते हैं। शायद उसने भी कुछ तीखी चीज, गार्लिक जैसी, खा ली है, जिससे उसने ऐसी आवाज निकाली है। व्हाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट, तो तुम ऐसा कोई साउंड क्यों नहीं, कोई ऐसी आवाज क्यों नहीं निकालते जो अपने टेस्ट को बता सके? जैसे कि अभी मैं यहाँ पर सी सी की आवाज है, उससे हमें पता लगा कि उसने तीखा, स्पाइसी खाना कुछ खा लिया है। फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गैस फ्रॉम
फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गैस वट यू माइट हैव ईटन। अपनी एक्सप्रेशन और आवाज से अपने दोस्तों से गैस करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए कहो कि वट यू हैव माइट ईटन, कि तुमने क्या खा लिया है। कि आप ये गेम हो सकता है बच्चों बहुत अच्छा, जिसमें आप सिर्फ एक्सप्रेशन करें, मुंह से आवाजें निकालें और आपके दोस्त गैस करें, अंदाजा लगाएं कि आपने क्या खा लिया है, कि मीठा खाया है, खट्टा खाया है, तीखा खाया है। देखो नींबू खाने से हमारा फेस कैसा बन जाता है, कैसी आवाज करते हैं ना, मिर्च खाने से कैसी आवाज करते हैं, मीठा खाने पे यस, दिस काइंड ऑफ साउंड्स विल डेफिनेटली डिफाइन व्हाट यू आर ईटिंग, कि तुम क्या खा रहे हो ये उससे पता लग जाएगा। यहां पर देखो चू इट और च्यू इट, च्यू माने चबाना बेटे, च्यू इट यानी च्यू का मीनिंग क्या होता है, चबाना। मुंह में जब हम खाना ले लेते हैं तो दांतों से उसको क्रश करते हैं, तो बार बार उसको चबाते रहते हैं जब तक कि वो क्या बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद हम उसको स्वेलो कर लेते हैं, अंदर की साइड अपने पेट में निगल लेते हैं। च्यू इट और च्यू इट वेल, इसको अच्छे से चबाओ। व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें क्या अंतर है, ट्राई दिस टुगेदर इन द क्लास, क्लास में एक साथ इसको ट्राई कीजिए। इंजॉय यूर टेक ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। क्लास में बच्चों आप लोगों को ये ट्राई करना है क्या, कि ब्रेड को, रोटी को या कोई भी पकाए हुए चावल को मुंह में लीजिए और उसको लगातार चबाते रहिए। चबाने से क्या होगा, देखो चबाने से उसका टेस्ट बदलेगा नहीं बदलेगा, ये सारी चीजें आपको खुद फील करनी है। नेक्स्ट देखिए, पुट इट इन योर माउथ, अपने मुंह में उसको रखो। च्यू 3 or 4 times, 3 से 4 बार उसको चबाओ। एंड स्वेलो इट, और उसको निगल लो। निगलने के बाद आपको क्या फील होगा वो आपको बताना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट, क्या टेस्ट में चेंज आया जब आप लोगों ने उसको चबाया, आप खुद फील कीजिए और यस और नो में आंसर दीजिए। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 20 to 25 times। आप एक और पीस लीजिए राइस का या फिर रोटी का और उसको 20 से 25 times उसको चबाइए और फिर देखिए कि क्या उसके टेस्ट में चेंज आया है। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग इट आफ्टर वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स, क्या तुम्हें उसके टेस्ट में कोई चेंज लगा उसको बहुत सारा टाइम चबाने के बाद। आप खुद पता लगाइए क्या उसका टेस्ट चेंज होगा बच्चों। यस डेफिनेटली चेंज होगा उसका टेस्ट। फर्स्ट बाइट में जो टेस्ट होता है और उसको काफी ज्यादा बार चबाने के बाद लिक्विड फॉर्म में जब वो आ जाता है, जब जो टेस्ट होता है वो डेफिनेटली ही चेंज हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट डिस्कस, इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में कि ये है क्या, क्यों होता है। देखिए, हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली, क्या घर में आप में से किसी को भी कभी आपके पेरेंट्स ने, दादा दादी ने, बड़ों ने आपको स्लोली यानी धीरे धीरे खाने के लिए बोला है। एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, और तुम्हें चबाने के लिए, च्यू वेल यानी अच्छे से चबाने के लिए बोला है, सो दैट ताकि द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, ताकि खाना जो भी हमने खाया है वो अच्छे से प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। Why do you think, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, they say this, वो ऐसा कहते हैं। जब भी आपको बड़े आराम से स्लोली चबाने के लिए बोलते हैं तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, आप इसको आंसर कर सकते हैं, खुद बताइएगा आप क्लास में। Imagine you are eating something hard like a green guava। गवावा बेटे अमरूद होता है, एक ग्रीन गवावा को आप खा रहे हैं, बहुत हार्ड है वो। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट, और उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस, जब तुम एक पीस को उसमें से बाइट करके काट लेते हो। एंड पुट इट इन योर माउथ, और अपने मुंह में उसको रख लेते हो। टू व्हेन यू स्वेलो इट, और जब तुम उसको निगल लेते हो। Think what does the saliva in your mouth do? सोचो कि तुम्हारे मुंह में जो saliva है कि वो क्या करता है।
बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना इस बात को। जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद काट कर जब हम अपने मुंह में उसको ले जाते हैं, तो हम उसको चबाना शुरू करते हैं। और जब हम चबा रहे होते हैं, तो हमारे जीभ से स्लाइवा निकलता है, थूक बोलते हैं जिसको, या लार बोलते हैं, और वो खाने के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। इसे ही स्लाइवा बोलते हैं। बेटा, जब ये खाने के साथ मिक्स होता है, पहली बात तो ये खाने को लिक्विड फॉर्म में ले आता है चबाने से, स्लाइवा मिक्स होने से, और बाद में ये उस खाने को डाइजेस्ट होने में हमारे पेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आई थिंक सो अभी आपको पता लग गया होगा कि स्लाइवा का हमारे मुंह में क्या फ़ायदा होता है।